वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा चिकन शावरमा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक बोल है, इसमें अब हम अपने झटपट जल्दी जल्दी मसाले डालते हैं। तो चले यहाँ हम डालते हैं आधा कप दही मैरिनेशन के लिए। वैसे तो शावरमा इतने तरह के होते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, ये पहला वर्जन है। आहिस्ता आहिस्ता शावर कर देंगे शावरमा की। अब इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और एक टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जो कि कुछ यूं हैं कि एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, एक टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर और दो टीस्पून नमक। और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश फ्रेश आधा लेमन का जूस। ये तो हमने जितना हो सकता था ले लिया, ज़बरदस्त सा। और अब हम इसको विस्क करेंगे। देखिए ये तो अच्छे से मिल गया। अब इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून तेल, दोबारा मिला लेंगे अच्छे से। बस ये देखिए अच्छे से हमने मिला लिए। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी चिकन। तो चिकन है हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। और मैंने जो है वो चिकन थाई ली है। थाई से क्या मॉइस्ट और अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो ब्रेस्ट ले लें और अगर आप चाहें तो मिक्स ले लें। तो चलें ये अब हम डाल देते हैं अपने मसाले में। और इसको देखें हमने स्लाइसेस कर लिया है छोटे छोटे। ये चिकन हमारी सारी चली गई इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप ये प्रोसेस जो है वो वन डे अर्ली भी कर सकते हैं, अगले दिन करके रख लें फ्रिज में, ताकि एक काम आपका निमट जाए और ये इफ्तारी वगैरह में झंझट जो है वो कम रहे और अच्छा सा मैरिनेट भी हो जाए। और अगर जल्दी जल्दी करना है तो 15-20 मिनट आधा घंटा भी कर सकते हैं मैरिनेट, लेकिन अगले दिन मैरिनेट होगा तो इजी भी हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से चढ़ जाएंगे। देखिए ये तो हमारे ज़बरदस्त किस्म के मसाले देखें अच्छे से चढ़ गए। आप इसको हम कवर करके रख लेते हैं बाहरी। चले इसको हम रखते हैं अब किनारे पे। और अब हम चटनियों की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पतीला है, इसमें हमने 2 कप पानी रखा हुआ है, इसको हम ऑन कर देते हैं। तो चले अब हम क्या करते हैं, ये रेड वाला सॉस है तो हमने रेड वाली मिर्चें ली है। तो ये देखें हमारे पास ये वाली मिर्चें हैं, ये स्वीट पेपर्स है, ये तेज़ नहीं होती है लेकिन ये कलर अच्छा लगता है इसका। तो इसका अब हम डंठल निकालेंगे और इसको हम पानी में डाल देंगे। अगर आपके पास ये स्वीट पेपर्स ना हो तो आप बेल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कलर के लिए। 2 पीस कर रहे हैं और इसको पानी में डाल रहे हैं। और ये देखें ये हमारी हालोपिनोज है रेड वाली, ये तेज़ है थोड़ी सी, तो इसको भी डालेंगे। एक हम डालेंगे टमाटर इसमें, बस इस पे बॉइल्ड आएगा तो हम 2-3 मिनट रखेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। जब तक हम अपनी ज़बरदस्त सी कलरफुल सी वेजेस काटते हैं जो शावरमा को टेस्टी बना देगी और कलरफुल बना देगी। तो देखें हमारे पास यहाँ 2 तरह की प्याज है, आपके पास जो भी हो आपका जो दिल चाहता है आप ले। तो मैंडेलिन स्लाइसर से भी आप काट सकते हैं, हाथ से भी काट सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इससे रेगुलर स्लाइसेस कर रहे हैं। अपने इसको कोने में कर देते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ एक पर्पल वाली भी प्याज है, वो भी काट लेते हैं थोड़ी सी। चले इतनी सही है, ये हमने मिक्स करने के लिए कि कलरफुल लगे तो काट ली। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ 2-3 तरह की पेपर्स हैं। ये जो पेपर्स है रेड वाली और ये ऑरेंज वाली और येलो वाली, ये बेल पेपर जैसी ही है।
तो अगर आपके पास बेल पेपर हो या स्वीट पेपर्स हो, दिल चाहे तो आप काट लें, इस तरह से स्लाइसेस कर लेंगे। अब हमारी रेड रेड सी काट लेते हैं, इसकी ये सीड थोड़े से निकाल लेते हैं हम। चले अब हम अपनी रेगुलर हरी मिर्च काटते हैं। मैं सिरानो ले रही हूँ, आपको जो दिल चाहे आप ले, मज़े से आपकी पसंद की मिर्चें, लेकिन डेफिनेटली ये तेज़ वाली है, अभी तक जो काटी वो तेज़ नहीं थी। और अगर आपको तेज़ ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम डाल लें, अंदर से सीड भी निकाले जा सकते हैं। ये देख लेते हैं हम अपने मिर्चों के क्या हाल अहवाल हैं। ये देखें बस अभी बॉइल्ड आने वाला है। चले हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मिर्चें, एक मिनट लगेगी मेरे ख्याल में, यहाँ तक बॉइल्ड आ जाएगा। चले अब हम अपना खीरा काट लेते हैं। शावरमा हर जगह का इतना अलग होता है, हो सकता है ये आप लोगों से कुछ किसी से मिलता जुलता भी हो, वरना हर घर में हर जगह अलग ही बन रहा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये मज़ा आएगा, क्योंकि है तो बड़ा चटपटा, मज़ेदार और ईजी एंड कलरफुल। चले देखें यहाँ बॉइल्ड आ गया अच्छा सा, और अब हम अपना चूल्हे को बंद कर देते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी वेजिटेबल्स काटना। अब एक बोल लेते हैं, उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स जो काटी है वो डालना शुरू कर देते हैं। चले देखें हमारी कलरफुल सी वेजीज चली गई, और अब मुझे इसमें बंद गोभी कैबेज बहुत पसंद है, तो मेरे पास यहाँ पर्पल भी है, ग्रीन भी है, मैं थोड़ी थोड़ी दोनों ही डाल दूंगी। अगर आपके पास पर्पल ना हो नो प्रॉब्लम। और इसको हम थोड़ी सी श्रेड कर लेते हैं, देखते हैं कितनी हो गई है। हाँ देखें इनफ हो गई है, अभी तो हम ग्रीन भी करेंगे, तो इसको हम डालते हैं अपने बोल में। क्या नेमतें हैं अल्लाह की, गज़ब के कलर्स देख के ही मुंह में पानी आ जाए, कुछ ना करो तब भी आ जाए। चले अब हम ग्रीन जो है उसको थोड़ी सी श्रेड कर लेते हैं। कैसी शानदार सी कट गई है, अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। चले अब हम इस सैलेड की झटपट से ड्रेसिंग बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी खट्टी खट्टी होगी, मिर्चें तो हमने काटी है, मज़ेदार लगेगी। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल, मेरा ऑलिव ऑयल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू, थोड़ा सा सिरके की खट्टापन, थोड़ा नींबू की, ज़बरदस्त लगेगा। चलें अब इसको हम विस्क कर लेते हैं। बस अब हम अपनी सैलेड में डाल देंगे, मज़ेदार सी हमारी ड्रेसिंग चली गई, और इसमें हरी मिर्चें भी है तो मज़ेदार और भी हो जाएगी। और मिला लेते हैं इसको हम अच्छी तरह, बस सारी चीज़ों में मिल जाए, इस तरह से हमें मिलाना है, कोई भी वेज रह ना जाए कि भाई हम पे तो गया ही नहीं, हमारे साथ तो ज़्यादती की है भाई इन्होंने ड्रेसिंग डालने में, हमें सब पे इवनली डालना है। चले देखें ये हमारी रंगारंग ज़बरदस्त सी सैलेड रेडी हो गई शावरमा की, और अब इसको हम करते हैं किनारे, और झटपट हम क्या कहते हैं बड़ा सा फ्राई पैन रखेंगे और शावरमा बनाएंगे। चले अब हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो गई है, आज की तारीख में हमारे लिए, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। चले अब इस हमने पैन रख दिया है, मीडियम हाई पे हमने रखा हुआ है, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और ये हम डाल देंगे अपनी चिकन इसमें। अब
फैला देंगे, जितनी स्पेस होगी इतना। चले ये चूल्हे पे चला गया, अब हम झटपट ज़बरदस्ती हमारी मिर्चें भी ठंडी हो गई है गर्म पानी में से निकालते हैं और झटपट सी ज़बरदस्ती रेड चटनी और ग्रीन चटनी बनाते हैं और ये अपना काम करेगा। ठीक है, हम अपना करते हैं, पहले रेड चटनी बना लेते हैं। रेड चटनी के लिए मुझे बताना था कि अगर इन केस आपके पास बेल पेपर भी ना हो और ये मीठे वाली मिर्च भी ना हो तो आप सूखी लाल मिर्च होती है ना उसको भिगो दें, इसी तरह आप गर्म पानी में बॉईल कर लें और टमाटर के साथ, और उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर भी गया, चले। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून अदरक पिसा हुआ, इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून सिरका और एक टीस्पून नमक। चलो इसको अब हम कवर करते हैं। चले ये ज़बरदस्त सा हो गया और अब इसको हम निकालते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के एक टेबलस्पून इसको निकाल लेते हैं। चले ये तो हो गया, अब हम दूसरा जार ले लेते हैं ताकि हमारी ग्रीन चटनी जो है वो ग्रीन ही रहे। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि हमने एक घूंट पानी डाला था, तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए ये मेरा दिल है भाई, रेड रेड हार्ट है रूबी के किचन का आपके लिए। देखिए हरी चटनी बनाए उससे पहले हम अपने चिकन को पूछ लेते हैं क्या हाल है इनके। देखिए बड़े ज़बरदस्त से हाल है, कितनी खुश खुश है, ये मज़े कर रही हैं रूबी के किचन में। देखिए मसाला चिपक चिपक रहा है, यही हमें चाहिए इसी तरह से। अभी हम और भी इसी तरह चिपकवाने देना चाह रहे हैं। चले अच्छे से हमने हिला लिया इसको और अब हम चटनी पे जम मारते हैं। ये देखिए हमारे पास एक हैंडफुल पूरा हरा धनिया है, ये हमने डाल दिया। इसमें हम डालेंगे आधा टमाटर, इसमें अब हम डाल देंगे एक मिर्च, आप चाहें तो आधी भी डाल दें। अब इसमें जाएगा आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, आप चाहें तो एक आध जवा भी डाल दें। चलें और इसमें अब हम डालेंगे एक टेबलस्पून पानी और आधा नींबू। चले अब इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त सी निकल गई और अब हम अपने चिकन को देखें, ये जिस तरह की सिचुएशन है ये देखें बिल्कुल मसाला चिपक चिपक सा गया है, बिल्कुल हम ऐसे ही चाह रहे थे। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। चूल्हे को हम करेंगे मीडियम और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, अब हम खोल के देखते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया है और अब हम अपने चूल्हे को बंद करते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है हमने गिरोज का या वो शावरमा का होता है ना उसी में बनाया हुआ है ये। देखें चले ये हमारा ज़बरदस्त सा हो गया, हमारा चूल्हा भी बंद हो गया, इसको हम कवर करते हैं और अब झटपट हम अपनी पीठा को थोड़ी सी गर्मा गर्म फ्रेश कर लेते हैं। अगर आपके पास तवा है तो आप तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ क्यूट सी एक ग्रिडल है तो चले हम इस पे करते हैं। अब हम हल्का हल्का, अगर आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के और उसको गर्म कर लूँगी और इसको ये रख देते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी लगा देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। देखिए कैसी गज़ब की गर्मा गर्म हो गई है, बस जब गर्मा गर्म हो जाए तब आप असेंबली पे ले जाएं ताकि सॉफ्ट रहे और मज़ेदार रहे। तो चले इसको हम डालते हैं यहाँ गर्म गर्म, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अब दो दो करके हम असेंबल करते हैं। ये देखें वैक्स पेपर पे हम रख लेते हैं अपना एक, और अब इस पे हम सबसे पहले टिजी की सॉस लगाएंगे। चल दोनों पे लगा लेंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट,
अब हम अपनी चिकन रखेंगे। अब आपकी मर्जी है, आपको जितना डालना हो डालें, मैं ये थोड़ा सा यूँ कर ले रही हूँ। चलें, चले अब रेड सॉस डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अगर स्पाइसी हो जाता हो तो केचप डाल दीजिएगा। चले अब ग्रीन सॉस डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में डाल देते हैं। और सॉस कम ज्यादा आपके ऊपर है, कंप्लीटली आप जैसा चाहें, आप अपने बॉस हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मजेदार सी इसकी सैलेड। इसको अब हम उठाते हैं और ये इसका तिकोन कर देते हैं, इस तरह से यहाँ रखते हैं, इसको रोल बनाते हैं और इसको फोल्ड कर देते हैं। देखें गज़ब का रेडी। चलिए इसी तरह हम ये भी बना लेंगे, दूसरा भी, और दो दो करके सारे असेंबल कर लेंगे। चल इसको फोल्ड कर देते हैं। चले ये अब हम सर्विंग प्लेट में डालना शुरू कर देते हैं। देखा कैसे झटपट हमारा जबरदस्त सा शावरमा बन गया। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लगता है। फर्स्ट बाइट में ही, क्योंकि हमने नीचे लगाया था टिजी की सॉस, वो आया ऐसा रिफ्रेशिंग, फिर एकदम चटपटी चीजें आना शुरू हुई, क्रंच बेहतरीन है, चिकन इतनी टेंडर और ऐसी बेहतरीन है, अलग अलग तरह के सॉस, ये आप लोग की तरफ से। छोड़ने का दिल नहीं जा रहा है, एकदम खतरनाक है, मज़ेदार है। और गुड थिंग क्या है कि हर चीज़ आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, चिकन कुक करके भी रख दिया, री गर्म कर लिया, रोटियां वगैरह गर्म करके रख दी, सैलेड वगैरह बन गया, सॉसेस बन गए, पार्टी हुई तो ऐसे भी रख सकते हैं कि सब चीज़ें सेपरेट हैं, सब असेंबल कर रहे हैं, कुछ रोल्स बना के रख दिए, मतलब लाइफ ब्यूटीफुल, ख़तरनाक टेस्ट है, छोड़ने का दिल चाह नहीं रहा है, अब जब फिनिश करने का दिल चाह रहा है, लेकिन आप लोग के सामने कितना खाऊँ ना। चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, मज़े करें और मज़े करवाएँ, इफ्तारों में धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक सिंपल मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।